वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस। फ्रेंड्स आज अपन बात करने वाले हैं उत्तर अमेरिका की जो मुख्य नदियां हैं उनके बारे में। उत्तर अमेरिका की मुख्य नदी जो हम शुरू करने वाले हैं उसके बारे में मैं एक बार बता दूं, ये नदी हम पढ़ने वाले हैं मिसिसिपी और मिसोरी। मिसिसिपी मिसोरी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मिसिसिपी मिसोरी दो अलग नदियां हैं, मिसिसिपी मिसोरी दो अलग नदियां हैं। इनमें से मिसोरी जो है वो पश्चिमी जो पर्वतमालाएं हैं यूएसए में वहां से इसका उद्गम होता है, और मिसिसिपी ये नॉर्थ में जो इटास्का लेक है इस इटास्का लेक के निकट से इसका उद्गम होता है। ठीक है, दो अलग अलग नदियां हैं। अब अगर इन नदियों को हम आपस में मर्ज करते हैं, इन नदियों को यदि हम आपस में मिला देते हैं तो ये नदियां मिलकर बनती हैं विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती हैं ये दो नदियां मिलकर। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। हम अगर इनकी बात करते हैं मिसिसिपी और मिसोरी, तो मिसिसिपी और मिसोरी आगे आपको नजर आ रहा है कि अगर हम देखें तो ये आके विलीन होती हैं यहां, और ये कौन है, मैक्सिको की खाड़ी, ये मैक्सिको की खाड़ी में आके विलीन होती हैं। और साथ ही एक और खास बात बताऊं, मैक्सिको की खाड़ी में गिरने से पहले मिसिसिपी मिसोरी बनाती हैं पंजाकार डेल्टा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो हमारे पास दो नदियां हैं, एक तो मिसिसिपी है और एक मिसोरी है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे हमारी जो मिसिसिपी नदी है उसके बारे में। ठीक है, देखो हम शुरू करते हैं। हमारी मिसिसिपी नदी है, मिसिसिपी जो नदी है वो मिनेस्टा, यहां पर प्रांत है मिनेस्टा, ये यूएसए में पड़ता है, और यहां पर एक लेक है इटास्का झील। इस इटास्का झील से हमारी मिसिसिपी नदी का उद्गम होता है और कंटिन्यू आपको वो जाते हुए दिख रही है, ये हमारी मिसिसिपी है, कंटिन्यू निकल रही है। और मिसिसिपी अंततः आगे बढ़ते हुए आप देख पाएंगे कि मिसिसिपी आगे चली जाएगी हमारे कंटिन्यू बढ़ते हुए इस मेक्सिको की खाड़ी में। ठीक है, मेक्सिको की खाड़ी में यहां से कंटिन्यू आई, यहां तक आ गए थे हम, और यहां से ये देखो घूमते हुए आ गई है हमारे इस मेक्सिको की खाड़ी में। अब हमारी जो मिसिसिपी नदी है, इस मिसिसिपी नदी की खास बात बताता हूँ। मिसिसिपी नदी की खास बात है ये कई फेमस नदियां हैं उन फेमस नदियों को अपने साथ मिलाकर लेकर आती है, बात करते हैं उन फेमस नदियों की जो मिसिसिपी अपने साथ लेकर आती है, यानी कि मिसिसिपी की सहायक नदियों को हम देखने वाले हैं वास्तव में। तो मिसिसिपी की जो सहायक नदियां हैं उनमें ओहायो नदी आपको नजर आ रही है। ओहायो जो नदी है, ये ओहायो नदी मिसिसिपी की सहायक नदी है, और यहां पे ये माउंट दिख रहा है आपको, ये ब्राउन कलर का जो माउंट है, देखो ब्राउन कलर का माउंट है, ये जो माउंटेन चेन है ये अपने इस उत्तर अमेरिका की कई बड़ी नदियों का उद्गम स्थल है। और कौन है ये माउंट चेन, अपलेशियन, इसको हम अपलेशियन पर्वतमाला कहते हैं, और इस अपलेशियन पर्वतमाला से ओहायो नदी निकलती है, और ओहायो नदी मिसिसिपी में आकर विलीन हो जाती है। ठीक है, अब ओहायो की एक सहायक नदी है, वो भी काफी फेमस सहायक नदी है, और अपलेशियन से निकलती है, और नदी का नाम है टेनेसी। बाकी सहायक नदियों की हमें आवश्यकता नहीं है। जब यदि हम मान लो कि अमेरिका के निवासी हैं और जैसे हम भारत का भूगोल पढ़ते हैं और फिर उसमें गंगा की कई सारी सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक उस जगह यदि हम अमेरिका के निवासी होते हैं और अमेरिका का भूगोल पढ़ रहे होते तब हमें इन समस्त सहायक नदियों को जानने की आवश्यकता है। अभी हम जानेंगे सिर्फ इंपॉर्टेंट जो नदियां हैं उनमें एक हमने जान ली, ओहायो नदी, और एक टेनेसी नदी। टेनेसी नदी बाढ़ आगमन के लिए विख्यात रही है। टेनेसी नदी बाढ़ आगमन
आगमन के लिए विख्यात, ठीक है ये ध्यान रखना। टेनेसी नदी बाढ़ आगमन के लिए विख्यात रही है। अब टेनेसी नदी की बाढ़ को रोकने के लिए, टेनेसी नदी की बाढ़ को रोकने के लिए हमारे यूएसए में, हमारे यूएसए में बहुउद्देशीय परियोजना टेनेसी नदी घाटी परियोजना निर्मित की गई है, और इसी टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित भारत की भी एक बहुउद्देशीय परियोजना है। भारत की जो बहुउद्देशीय परियोजना है उस परियोजना का नाम है दामोदर घाटी कॉरपोरेशन, यानी दामोदर नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। ये क्वेश्चन आता भी है जब हम भारत की सिंचाई परियोजनाएं, हमारे सिलेबस में भारत की परियोजनाएं भी हैं, हम उन परियोजनाओं को भी हम हमारे प्रोजेक्ट के जरिए, जैसा कि कल मैंने फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट का यूज किया था, तो डिजिटल बोर्ड तो नहीं है बट ये ठीक है, काफी है अभी हमारे समझने के लिए। तो प्रोजेक्टर का प्रयोग काफी सफल रहा जैसा कि स्टूडेंट्स ने मुझे बताया। तो जब हम सिंचाई परियोजना पढ़ेंगे तब भी हम प्रोजेक्टर का यूज करेंगे। तो जो टेनेसी नदी घाटी है, टेनेसी नदी जो परियोजना है उसी परियोजना पर आधारित है हमारी एक और भारत की परियोजना, परियोजना का नाम है दामोदर घाटी कॉरपोरेशन, दामोदर घाटी परियोजना। ये परियोजना टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर ही आधारित है, ठीक है ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसको हम जो मिसिसिपी का डेल्टा वगैरह है, मिसिसिपी का डेल्टा हम गूगल मैप के जरिए भी एक्सप्लोर करके आएंगे, और वो गूगल मैप वाला जो एक्सप्लोरेशन है वो भी स्टूडेंट्स ने काफी सराहा, काफी अच्छा बताया कि सर ये बहुत अच्छे से हम उसकी लोकेशन देख पाते हैं कि कैसा है। ओके ना फ्रेंड्स, तो ये तो बात है विशेषकर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये मिसिसिपी नदियां। अब एक क्वेश्चन आता है कि लाल नदी सफेद नदी काली नदी कहां बहती हैं, ये आपने कभी सुना हो तो काली नदी सफेद नदी लाल नदी ये कहां बहती हैं, सफेद नदी लाल नदी काली नदी। तो ये मैं आपको बता दूं, ये जो नदियां हैं ये बहती हैं हमारे यूएसए में ही, ठीक है यूएसए में ही बहती हैं ये ध्यान रखें। और यूएसए में आप देख पा रहे हैं कि ये जो नदियां हैं ये सामान्यतः मिसी नदी तंत्र जो है उस से ही संबंधित हैं, ठीक है मिसी नदी तंत्र का ही पार्ट है। एक बार हम जूम करके देखते हैं तो कोई आपको नजर आ रही है, आप एक अलग नदी नजर आती है ना, ओके बट रेड नदी की हम जो बात कर रहे हैं ये रेड नदी हो गई हमारी यूएसए में, ठीक है। ये अरकनसास नदी है, ये एक अन्य नदी तंत्र में लगता है देखने से, बट ये मिसिसिपी का ही रिवर सिस्टम है, ठीक है। इसके अलावा फिर ये व्हाइट नदी है, ये ब्लैक, तो इस तरह से व्हाइट ब्लैक और जो रेड नदी है वो हमें मिल जाती है यूएसए में। और ऐसे ही ऑरेंज जो नदी है, ऑरेंज नदी एक और है, ऑरेंज नदी, तो ऑरेंज नदी जो है ये हमें मिलती है हमारे इसमें दक्षिण अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में जो सिस्टम है दक्षिण अफ्रीका वहां पे हमें मिलती है, ठीक है ये ध्यान में रखना है। तो काली नदी सफेद नदी लाल नदी यूएसए में, ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। आगे हम बात करने वाले हैं हमारे एक इसी नदी तंत्र का पोर्शन है मिसौरी नदी, मिसौरी नदी, मिसौरी नदी पश्चिमी पर्वतमालाएं हैं जो कि यूएसए में पश्चिमी पर्वतमाला है, उन पश्चिमी पर्वतमालाओं से निकलती है, पश्चिमी पर्वतमालाओं से निकलती है और वो विशेषकर हमारी जो मिसिसिपी है उसमें आके विलीन हो जाती है, उसमें आके विलीन हो जाती है। आप अगर देख पा रहे हैं तो हमारी जो नदी है मिसौरी, ये मिसौरी नदी यहां से आ रही है, ये हमारे उत्तर अमेरिका में, देखो ये जो पहाड़ियां हैं ये पश्चिमी पर्वत श्रृंखला है, पश्चिमी पर्वत श्रृंखला है जिसको हम वेस्टर्न कॉर्डिलेरा कहते हैं, ये रॉकी माउंटेन का पार्ट है पश्चिमी पर्वत श्रृंखला, पश्चिमी पर्वत श्रृंखला से आती हैं। और पश्चिमी पर्वत श्रृंखला से ये जो नदी है ये तीन नदियों के रूप में निकलती है, तीन नदियों के रूप में निकलती है, इनमें एक नदी मेडिसन, जेफरसन, मेडिसन जेफरसन, देखो ये जो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये तीनों जो पोर्शन है वो नजर आते हैं हमें, ये एक दो और तीन, ये इनको मिला के मिसौरी बनती है, ये इस तरह से,
ये मिसोरी वाला सिस्टम हो गया, ठीक है। ये मेडिसन, इसके अलावा जेफरसन, और अगर हम बात करें तो ये होगी गैलेटिन, ठीक है। मैं यहीं पे नाम लिख देता हूं, मेडिसन, जेफरसन और गिलेटिन। ठीक है, इन तीन नदियों के रूप में पश्चिमी पर्वत श्रृंखला से इस मिसोरी नदी का उद्गम होता है, और मिसोरी नदी कंटिन्यू आगे बढ़ते हुए, आप देख पा रहे हैं, कंटिन्यू आगे बढ़ते हुए मिसोरी नदी यूएसए में ही बहती हुई ये विलीन हो जाती है हमारे इस मिसिसिपी में, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। तो ये जो हमारा रिवर सिस्टम है, ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है, नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है, साथ ही ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है। अब जो नदियां थी, ब्लैक, सफेद, रेड और ग्रीन भी यूएसए में ही है, ग्रीन हमें नहीं दिखी है, ग्रीन को हम देखते हैं, ग्रीन भी यूएसए में है, ग्रीन ओहायो में आके मिलती है ग्रीन नदी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो व्हाइट हो गई, ब्लैक हो गई, रेड हो गई और ग्रीन हो गई, ये सभी की सभी कहाँ है, यूएसए में है ये नदियां। और ऑरेंज नदी कहाँ है, ऑरेंज नदी है दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया मिसिसिपी नदी तंत्र। हम है ना गूगल मैप के जरिए, गूगल मैप के जरिए हम मिसिसिपी मिसोरी के जो डेल्टाई प्रदेश हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे, साथ ही हम जानेंगे अन्य जो हमारी नदियां हैं उनके बारे में गूगल मैप के जरिए। अभी हम चलते हैं यूएसए की जो एक और नदी है, इसमें देखते हैं हमारे पास कॉलोरेडो नदी। वेरी गुड, हम कॉलोरेडो नदी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कॉलोरेडो नदी, ये क्लियरिटी ठीक नहीं है, पिक्सल अच्छे नहीं थे, और थोड़ा सा बोर्ड भी मेरा ठीक नहीं है क्योंकि लॉकडाउन में ये पॉसिबल नहीं हो पाया अच्छे से, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे इस कॉलोरेडो नदी पर। तो कॉलोरेडो जो नदी है, कॉलोरेडो नदी कॉलोरेडो के पठार से ही निकलती है, कॉलोरेडो का पठार है, देखो आपको, आप देख पा रहे हैं ये कॉलोरेडो का पठार है, ठीक है, ये कॉलोरेडो राज्य है, कॉलोरेडो राज्य में कॉलोरेडो का पठार, ठीक है। तो इस कॉलोरेडो के पठार के निकट से हमारी ये कॉलोरेडो रिवर आगे बढ़ रही है, और कॉलोरेडो रिवर को एक बार हम पूरा देख लेते हैं। तो यहां से कॉलोरेडो रिवर निकल रही है और पूरे कॉलोरेडो प्रांत क्षेत्र में ग्रीन नदियां कितनी है, यहाँ पे कॉलोरेडो में भी एक और आके मिल रही है ग्रीन नदी, है ना, ठीक है। तो यहां से ये कॉलोरेडो नदी कंटिन्यू आ रही है और पूरे कॉलोरेडो को पठार को पार करते हुए ये अंत तक कैलिफोर्निया की जो खाड़ी होती है ना, आप देख पाएंगे, बस इतना ही है। तो कैलिफोर्निया की खाड़ी जो है, इस कैलिफोर्निया की खाड़ी में आके, कैलिफोर्निया की खाड़ी में आके ये विलीन हो जाती है हमारी कॉलोरेडो नदी। कॉलोरेडो नदी की खास बात है, हम गूगल मैप के जरिए जरूर देखेंगे, कॉलोरेडो नदी कॉलोरेडो के पठार को काट कर विश्व का सबसे बड़ा कैनियन, ग्रांड कैनियन का निर्माण करती है। विश्व का सबसे बड़ा कैनियन, ग्रांड कैनियन बनाती है हमारी कॉलोरेडो नदी, ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी और कोई विशेषता इस पर क्वेश्चन के संदर्भ में हमारा है नहीं। तो कॉलोरेडो के पठार पर बहती है, कॉलोरेडो के पठार को काटकर ये कॉलोरेडो जलप्रपात का, सॉरी कॉलोरेडो कैनियन, कैनियन आप समझते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, वी आकार की घाटी हम गूगल मैप के जरिए ये जरूर देखेंगे, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं हमारी अन्य जो नदी है, मिसिसिपी हो गई, रियो ग्रांडे एक और महत्वपूर्ण नदी होती है यूएसए की, रियो ग्रांडे। तो देख लेते हैं एक बार रियो ग्रांडे नदी को। रियो ग्रांडे नदी का उद्गम भी कॉलोरेडो पठार से ही होता है, कॉलोरेडो के पठार से हो रहा है, आप देख पा रहे हैं रियो ग्रांडे जो नदी है ये, इसको क्या हो गया, मैंने अच्छा चेंज कर दिया डायरेक्शंस का, बैक कर लेते हैं इसको, मैंने जस्ट अभी मैं फ्रेंड से लेके आया हूँ, रियो ग्रांडे आ जा भाई हमारी, हाँ ठीक है, अब जूम करना था मुझे ना, ओके। तो हमारा जो रियो ग्रांडे नदी है, देखो हम बात करते हैं रियो ग्रांडे नदी, ये हमारे इस पठार से, जो कोलोराडो का पठार है वहां से इस नदी का उद्गम होता है, न्यू मैक्सिको में ये बहती है, न्यू मैक्सिको में आगे बहती है, और न्यू मैक्सिको में बहते हुए इसी कॉलोरेडो के पठार से होते हुए न्यू मैक्सिको से ही
एक और नदी इसकी सहायक नदी है, पेकोस नजर आ रही है, सहायक नदी पेकोस इसमें मिलती नजर आ रही है। डेविल्स भी एक नदी है, देखो आप, डेविल डेविल यानी राक्षस। तो ये रियो ग्रांडे नदी हो गई हमारी, ठीक है, कंटिन्यू आगे बढ़ रही है। और स्लैडो स्लैडो भी नदी इसमें आके विलीन हो रही है, स्लैडो नदी। और उसके बाद ये इन सबको साथ लेके कोलोराडो नदी अंत सॉरी कोलोराडो नहीं रियो ग्रांडे नदी अंततः विलीन हो जाती है हमारे मेक्सिको की खाड़ी में। ये जो आपको दिख रहा है ये कौन है, मेक्सिको की खाड़ी है ना, ये क्या है, मेक्सिको की खाड़ी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये हो गया हमारा जो रियो ग्रांडे नदी है उसकी खास बातें है, ठीक है। अब इन नदियों को विशेषकर हम जानेंगे, जो हमारी कौन सी नदी है, कोलोराडो नदी को हम गूगल मैप के जरिए देखेंगे, हम मिसिसिपी नदी का जो डेल्टा है, पंजा का डेल्टा है, उसको भी हम गूगल मैप के जरिए 3D इमेज में उसका आनंद लेंगे और उन नदियों को और अच्छे से हम जान पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये यूएसए की प्रमुख नदियां हैं, यूएसए की प्रमुख नदियां हैं। अभी हमें यूएसए की और जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में कोई विशेष विवरण नहीं आता है, कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सीधे बता देता हूं और उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे जो अन्य महाद्वीप और अन्य जो विशेषताएं हैं उनके बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो, अन्य जो नदियां हैं उनको मैं एक बार बता देता हूं आपको। तो सबसे पहले एक नदी पर क्वेश्चन आता है जिसको हम कहते हैं, इसको ऑफ कर दें क्या, इसको ऑफ कर देते हैं और वीडियो को भी मैं एक बार पॉज कर देता हूं क्योंकि हमें वीडियो में ब्राइटनेस को कंटिन्यू बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो फ्रेंड, हम कंटिन्यू करते हैं हमारे वीडियो को। अब कुछ नदियां हैं, सीधा सीधा मैं आपको उन पर जो क्वेश्चन आते हैं वो बता देता हूं। एक नदी होती है, नदी का नाम है हडसन, ठीक है, हडसन नदी। हडसन नदी जो है, ये हडसन नदी की खास बात है कि ये नदी सॉरी नदी के किनारे न्यूयॉर्क स्थित है। हडसन नदी इस नदी के किनारे न्यूयॉर्क स्थित है, ठीक है। और एक नदी है पैटोमेक नदी, पैटोमेक नदी इस नदी के किनारे वाशिंगटन डीसी स्थित है, वाशिंगटन डीसी। एक है मैकेंजी नदी, मैकेंजी नदी, मैकेंजी नदी जो है वो हमारे मैकेंजी पर्वत कनाडा से निकलती है, मैकेंजी पर्वत कनाडा से निकलती है और उसके पश्चात मैकेंजी पर्वत कनाडा से निकलती है और उसके पश्चात ये अलास्का की खाड़ी में आके विलीन हो जाती है। सॉरी, ये जो नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी यानी उत्तर ध्रुव सागर है, वहां जाके ये विलीन हो जाती है। तो ये मैकेंजी नदी है, कनाडा के उत्तरी भागों में बहती है, उत्तरी भागों में, ठीक है, उत्तरी भागों में जाके विलीन हो जाती है, उत्तरी भागों में बहती है मैकेंजी पर्वत से निकलकर। और जो उत्तर ध्रुव महासागर है और उसके सीमांत सागर में जाकर ये विलीन हो जाती है मैकेंजी, ठीक है। तो हडसन, पैटोमेक और मैकेंजी ये अन्य जो नदियां हैं हमारे उत्तर अमेरिका की जो महत्वपूर्ण है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम जानेंगे इस वीडियो के अगले जस्ट वीडियो में जो हमारी गूगल मैप के जरिए जो इन नदियों के हम कैनियन वगैरह को देखते हैं कि क्या खूबसूरत रचना है, उन सभी को हम जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।